सो गाइस मैं सुमित आप देख यूट्यूब चैनल डीजे मैं धमाल ऑफिशियल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो धड़कन डीजे एंड सार्जन भी है, पंकज भी है और भी कौन कौन सा डीजे वाला आ रहे हैं, तो ये हम लोग का जो डाल्टन गिंज में कॉम्पिटिशन होने वाला दोस्तों उसका डेट का भी फाइनल नहीं हुआ है, जो कि रबरमिंग में होने वाला दोस्तों डेट फाइनल नहीं हुआ, प्लस में सार्जन भी जा रहे कि नहीं, पंकज भी जा रहे कि नहीं और धड़कन डीजे आ रहे कि नहीं, वो सब सब चीज़ आप लोग को दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, मतलब बताने जा रहे हैं। तो क्या कुछ होता है दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसे वीडियो देखने के लिए। मैंने बहुत दिन से सोच रहा था दोस्तों कि इसके बारे में बात करेंगे लेकिन वैसा कुछ टाइम नहीं मिला, तो इसी वजह से अभी तक वीडियो नहीं बना पाए थे, तो अभी बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग अपना राय बताइएगा दोस्तों, कौन कौन सा डीजे सेटअप आ रहे हैं, कौन कौन क्या लेके आ रहे हैं, हम अपना राय बता रहे हैं क्यों पर कौन कौन आ रहे हैं कौन कौन नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आते हैं जो कि धड़कन डीजे जो मेरे के रहने वाला दोस्तों, जो लाइनर लेके बहुत हैवी सेटअप लेके आने वाले जो डाल्टन गंज, और हमारे यहाँ से झारखंड से कौन कौन सा डीजे सेटअप जा रहे हैं, जो कि डीजे सार्जन है, वो हमको 80% चांस है दोस्तों कि वो जाने वाले हैं, क्योंकि उसके बात के लेके अभी मीटिंग हुआ था बीच में, वो भी जाने वाले हैं। और एक बात सुनने में आया कि दोस्तों कि डीजे पंकज भी जाने वाले हैं उस जगह पे, वहाँ उसके पास भी काम आया हुआ है सुनने में आया है, तो उसका मिनिमम 50% चांस रखिए, ठीक है 50% चांस रखे। बाकी देखिए कौन कौन सा डीजे सेटअप आ रहे हैं, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, और डाक्टरगंज से कौन कौन है एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, बाकी कौन कौन भाई लोग जाना चाहते हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा, बाकी जो भी जाना चाहते हैं दोस्तों वो लोग का ट्रेन का रास्ता जो कि धनबाद स्टेशन से हम लोग को मिलने वाला है, और भी अगर आप लोग को डिटेल्स चाहिए तो आप लोग को हम अपनी तरह से मतलब इंस्टाग्राम से जो आप लोग को डीजे माई धनबाद ऑफिशियल करके इंस्टाग्राम में तो है, उसमें आप लोग को मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्ट लोग कॉन्टेक्ट करके आप लोग बात कर सकते हैं, आप लोग का ट्रेन का पूरा रूट बता देंगे किस तरह से जाना किस तरह से नहीं, ठीक है। और वहाँ का जो कॉम्पिटिशन होना है दोस्तों बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, और इस बार जो सार्जन भी हमको लग रहा है कि 18 लेके जाने वाला है, और पंकज भैया का जो सेटअप होने वाला है वो 6 बुलेट ही लेके जाने वाला है, जो अभी मार्केट में चल रहा है वही लेके जाएंगे, बाकी हमको तो नहीं लग रहा कि 6-18 जो सार्जन भैया बनाए हैं वो वाला लेके जाएंगे, लेकिन आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कौन सा लेके जाने वाला है, लेकिन मैं अपना राय बता रहा हूँ दोस्तों कि सार्जन भैया डाल्टन गंज जाएंगे, ठीक है। और हम लोग का जो शिवरात्रि में हुआ था धनबाद में एक जुलूस जो सार्जन भैया जो निकाले थे गोल सार्पी के साथ ट्रस के साथ जो निकाले थे, तो वो वाला रोड शो फिर से इस बार भी होने वाला है, आप लोग का क्या राय है दोस्तों, अगले बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ था लेकिन इस बार बताइएगा कमेंट करके कि कौन कौन भाई लोग आना चाहते हैं बाहर से, जो झारखंड से नहीं जो बाहर से, वो लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। और इस बार का भी सेटअप हमको लग रहा कि 18 ही होने वाला है, क्योंकि 18 का रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है दोस्तों, और 6-18 का बहुत ज़्यादा रिस्क भी है धनबाद में, 6-18 लेके आने का मतलब बहुत बड़ा हो जा रहा सेटअप, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि वही 18 लेके आएंगे, लेकिन एक बार आप लोग अपना कमेंट करके राय बताइएगा, बाकी वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, क्या कुछ होता है आप लोग को ब्लॉग बना देंगे स्पेशली शिवरात्रि का रामनवमी का, और भी छोटा मोटा वीडियो आप लोग को अपडेट देते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो में तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, बाकी चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चलिए।